कि मैं शून्य पे सवार हूँ बेदब समय खुमार हूँ अब मुश्किलों से क्या डरूँ मैं खुद कहर हजार हूँ मैं शून्य पे सवार हूँ कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है वो शाम को था ढल गया वो रात से था डर गया मैं जुगनों का यार हूँ मैं शून्य पे सवार बहुत लोगों को शायद पता नहीं है तो अपन बहुत ज्यादा हैवी म्यूजिकल बैकग्राउंड से आते हैं ठीक है तो अपने ख़ानदान में मेरे दादा उस्ताद मोहनुद्दीन खान साहब ठीक है मेरे वालिद साहब उस्ताद उसमाइल खान साहब ठीक है तो घर में ही इतना म्यूजिक का माहौल होता था और गाने वाले बहुत सारे लोग हैं ठीक है तो आ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मुझे थोड़ा दिलचस्पी शुरू हुई मेरी पढ़ने में शायरों को तो मुझे पहले से पता थी गजल <laughs> 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 मुझे मालूम है कि हर एक बात पे कहते हो तुम तो तू क्या है ठीक <laughs> है तो अक्सर लोगों को शायर पहले पता होता है और उसके बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं कि यार गालिब का एक शेर ऐसा ऐसे ऐसे है तो मुझे लोगों के आधे आधे दीवान याद थे और बाद में पता चले कि अच्छा ये तो फैज अहमद फैज का है <laughs> तो वो थोड़ा रिवर्स इंजीनियर हुआ तरीका ऊपर से फिर क्या होता है कि जब आपको इश्क होता है तो क्या होता है उन्होंने कह दिया रहा जश्न रखा किसा चाल रहा कि रह हो रहा अरे <laughs> दिख तो ना रहा है <laughs> हाँ तो यार जब इश्क होता है ना आपको तो क्या होता है कि आप अब यार अपने को गिटार नहीं आती है <laughs> तो तो है ठीक <laughs> तो उस वक्त थोड़ा मोड़ा लिखना लिखने की कोशिश करिए उसमें से कुछ अच्छा है कुछ बुरा है कुछ सही है कुछ गलत है तो बस वही हाँ है अच्छा वाला सुनाएंगे बुरा वाला देखो अपना वाला सुनाएंगे <laughs> क्या बात है <laughs> क्या बात है तो इससे पहले आप अपना सुनाए वो कौन से शायर हैं जो आपको इंस्पायर कर गए यार तो जैसे 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 अपने को भी ना घमंड बहुत है बचपन से ठीक है जैसे नाम मेरा अभी हुआ घमंडी में बचपन से हूँ ठीक है ठीक है तो जैसे गुरूर अगर किसी में है ना तो मिर्जा गालिब में बाकी सब तो कोशिश कर रहे हैं ठीक है ठीके? जैसे ये शेर की बाजी, ये जो ये जो लाइन है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया में बच्चों का खेल है डूबा हुआ शेर ठीक है ना संग दर्द से बढ़ ना जाए क्यों आ, रोएंगे हम हजार बार हमें सताए क्योंकि कितना एटीट्यूड है इसमें जबकि रोने बोने की बातें हो रही है यार दिल है वही पत्ता तोड़ी हो जाए भरेगा भरेगा तो हाँ और रोना आएगा तो रोएंगे को परेशान क्यों कर रहे पर तुम लोग <laughs> तो वो जो एटीट्यूड मिर्जा गालिब में जो है अब जैसे एक बात है जो 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 अहमद फराज साहब ने कही है कि अब और कितनी मोहब्बत तुझे चाहिए फराज माओ ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दिए, ठीक है कितनी प्यारी बात है ना कि ठीक है अब ये बात है कि भाई कितने मशहूर हो गए हम ठीक इस इस बारे में बात आई है ये। आ, लोग अक्सर कहते हैं कि वर्क टिल योर सिग्नेचर बिकम्स ऑटोग्राफ और ये वो ऐसे ऐसे तरीके से मिर्जा गालिब कहते हैं कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या <laughs> आता ही नहीं है इंट्रोड्यूस कैसे करें <laughs> याद ही नहीं है आखिरी बार कब बताया था कि साहब मैं मिर्जा गालिब ठीक है <laughs> तो कन्फ्यूज है आप हम देख रहे उनकी अगड़ अलग ही लेवल पे थी कि कंफ्यूज है कि कैसे क्या क्या, क्या मिर्जा गालिब आप, कौन साहब कि हम के आसपास तारीफ करने वाले लोग गए क्या आज <laughs> कोई और बताएगा क्या यार लड़के घूमते वैसे तो दो चार कुछ <laughs> वो ही बता दिया करते हैं अक्सर मिर्जा गालिब कौन है <laughs> <laughs> तो एक उनका देखिए फिर उसके बाद हमको जॉन आलिया साहब बहुत पसंद है ठीक है आ, बड़े तीखे हैं और ऐसे उनका एक शेर कहानी खत्म होने वाली है और जॉन वाले साहब का है, है है तो ये का ही है। अगर गलती हो जाए तो समझ लेना है मुझे बता देना मैं सीखने आया हूँ ठीक है तो एक उनका शेर है कि शायद सारा रिडम्शन शायद का है कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई उनका ये कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं पर देखिए उन्होंने रिडमशन कि कितनी खराब बात है कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं कितने झूठे साबित हो रहे हैं वो लेकिन उन्होंने अपने आप को रिडीम पहले ही अल्फाज में कर लिया था शायद तो जो फिरदौस जितनी भी रही उनकी जिंदगी में वो सब अपने आप को शायद में ढूंढेंगी

तो वो आपको नहीं तो आपके पापा को आपके पापा नहीं तो आपके चाचा को तो पहचानता ही है कोई नहीं <laughs> तो उनसे उनका भी यार पढ़ा जैसे उनके भी बड़ा एक उनमें भी एक बड़ा बड़ा एटीट्यूड है कि अगर खिलाफ है तो होने दो थो। जान थोड़ी है <laughs> लहजे में शेर किसी ने सुने नहीं होंगे सर जिस लहजे में आप सुना रहे हैं अरे मुझे मुझे राज साहब की एक बात पसंद है जब वो सुनाते हैं ना तो वो फ्री हो जाते हैं हाँ देख लो नो ही क्या अच्छा राहत साहब ना राहत साहब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बड़े बड़े मुशारे करते हैं बड़े बड़े मुशारे करते हैं स्टेडियम वाले मुशारे करते हैं लेकिन उनकी आदत ना छोटी महफिलों वाली है तो ना उन्हें पता नहीं चलता माइक का तो जैसे उनकी शेर लू भी चलती थी तो बाद लू भी चलती थी लू अरे इधर आओ भाई यहाँ बोलो बहुत 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 बढ़िया <laughs> फिर से बड़े आ, हमारे बड़े बहुत बहुत अदबदार बड़े बड़े शायर हैं क्या दब जाओ यार कोई बात नहीं यार सुन ना थोड़ी तकलीफ हो रही तो उठा ले यार सुन ले यार आज <laughs> नहीं दिख रहा कोई बात नहीं यार चलने दे यार वो कोई शेर है ना कि वो है ना कि उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है अगर जिंदा हो तो जिंदा ना इसमें एक शेर है कि मेरे होठों पर अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो क्या इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है ये <laughs> जैसे वो शेर उनका कि वो क्या क्या प्यारी बात है यार कि मैं उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा क्या क्या बात है कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा तो मेरा मेरा ऐसा मानना है मेरा ऐसा मानना है सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में ठीक है वो फोन भी आ रहा है ये कुमेल मैं उठा लेता हूँ मैं बात कर लेता हूँ मेरा ऐसा मानना है कि इश्क तो शायर करते हैं ठीक है मतलब जो जैसा इश्क शायर करते हैं ना वैसा इश्क नहीं होता क्योंकि आ, वो जो समझदारी है ना वो आ, जो अपोजिट जेंडर की समझ एक राइटर वो जो रिगर है ना वो जैसे मतलब बेसिकली मैं अपना वो बेच रहा हूँ ठीक है <laughs> यहाँ बहुत सारे राइटर हैं हम सब स्कैम चला रहे हैं वो मैं बताऊंगा नहीं पर, <laughs> पर इश्क़ का और राइटर्स का अपना एक बहुत गहरा रिश्ता है ठीक है वो ताल्लुक जो है वो बहुत पुराना है और वो रहेगा हमेशा तो बस ये ये कुछ शायर हैं जो मेरे को बहुत बोरे हैं तभी तो हाँ टूटे हुए दिल से ही तो बनती है हाँ और क्या <laughs> बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल। और अब आपसे पूछना बनता है रेखता में आके इस तरह की भीड़ देख के हुँ. आपको कैसा लगा और रेखता के साथ जुड़ाव कैसे हुआ आपका फैन फॉलोइंग हाँ, क्या फान है फैन फॉलोइंग मेरी गलती माजरत के साथ फेसबुक लाइव मत कर यार बंद कर दे क्या कर रहा है ये क्या पागल है क्या नीचे कर देखो यार ऐसे बताता हूँ कि फैन होंगे दूसरों के अपने दोस्त होते हैं ठीक है ठीक है भाई आया बता के जाएगा चिंता मत करो <laughs> हाँ तो आप क्या कह रही थी कुछ कह रही थी हाँ रेखता हाँ तो रेखता से पहले मैं मैं वहाँ कहीं खड़ा हुआ था वो पेड़ के पीछे वो घंटी के बगल में पिछले मैं रेखता के साथ मेरा तीन साल से वन साइडेड रिलेशनशिप चल रहा था <laughs> मैं तो आ रहा था ये लोग पहचान नहीं रहे थे <laughs> लेकिन इस बार मेरे ख्याल से इस बार, इस बार बार ये थोड़ा सा रेखता भी मानी <laughs> तो आज कॉफी है हमारी और <laughs> बुलंद आवाज के साथ सवाल पूछेंगे भाई नहीं नहीं अच्छा वो आप हाँ कुछ कहने वाले थे <laughs> मैं कुछ कहने लायक बची नहीं हूँ कोई बात नहीं आप सवाल पर चिल्लाना पड़ेगा माइक नहीं पहुंचा पाएंगे हम हाँ। हाँ। एक बात एक बात में एक बात मैं जरूर कह दूं सब हम फैन हैं, दोस्त हैं खूब वीडियोस देखे हैं लेकिन आज जाकिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक हटके बात करी जाए जो उनके दिल के करीब है हम भी उसका लिहाज थोड़ा सा करें ठीक है आपके पास थोड़ा सा नहीं नहीं बदतमीजी ना रख रहे हैं अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगता लिहाज में रहे सब कुछ तो अच्छा रहता है बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आप कोई कोई वॉल्टियर uh, कोई हो तो उनसे ले लीजिएगा ठीक यू आपका नाम क्या है थैंक यू वेरी मच रियली स्वीट ऑफ यू ठीक है आपके पास मौका था सवाल उस तरह के आए नहीं जिस तरह के हम सुनना चाह रहे थे ज़ाकिर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ आप अपनी थोड़ी सी पोइट्री पढ़ दीजिए यार, तो मैं क्या है <laughs> नहीं नहीं सर आपको पता नहीं है किस किसने पढ़ा है यहाँ पे प्लीज पढ़िए <laughs> अच्छा एक हाँ एक, 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 हाँ हा। उसे अच्छा नहीं लगता ठीक है फरमाइश ठीक है तो एक 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 उसे अच्छा नहीं लगता उसके बाद एक छोटी सी जो अपनी पहली कविता जिंदगी की वो मैं आप, आप लोगों से बांटना चाहूंगा उसके बाद तो ये जिन्होंने सुनी वो दोबारा सुन लें ठीक है तरनुम में। में अपन, अपन गले से नाबीना है तो तो ये एक नजम है जिसका नाम है कि ये खत है उस गुलदान के नाम ये खत है उस गुलदान के नाम जिसका फूल कभी हमारा था सुनिएगा जरा तो ऐसा है कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार तो सुन लो वो जो अब तुम उसके मुख्तार तो सुन लो उसे अच्छा नहीं लगता मेरी जान के मेरी जान के हकदार तो सुन लो उसे अच्छा नहीं लगता के जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना केवल जो कभी जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है कि जो जुल्फ बिखे रहे तो बिखरी ना समझना अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना दरअसल से ऐसे ही पसंद है उसकी खुली जुल्फों में उसकी आज़ादी बंद है एक ऐसे थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है कि ज़्यादा अगर लड़की बालों के साथ खेल रही है तो वो आप पे हिट करिए इंटरेस्टेड है, है तो ऐसे माना जाता है ठीक है <laughs> तो उस उसको उसको आ, उस उस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए डिफाई करते हुए कि जो जुल्फ़ बिखे रहे तो बिखरी ना समझना अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना दरअसल से ऐसे ही पसंद है उसकी आज़ादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है खुदा के वास्ते जानते हो जानते हो अगर हजार बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता जानते हो अगर हजार बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता वैसे दिल बहुत साफ है उसका इन हरकतों को इशारा नहीं होता खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते उसे कभी टोक ना देना उसकी आजादी से उसे कभी रोक ना देना क्योंकि अब मैं नहीं तुम उसके हो तो सुन लो उसे अच्छा नहीं लगता एक 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 कैसे शेर जो आजकल शोज में भी मैं पढ़ रहा हूँ वो वो सुनाता हूं मैं ठीक है कि कहा है कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी ये हर एक सांस से जाता है शोला दिल का शायद हवा में फैली है खुशबू तेरी अरे कुछ नहीं ऐसा क्या यहाँ हाँ तो बस एक 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 मेरी जिंदगी की पहली कविता जो मैंने लिखी थी वो आ, सुना रहा हूँ आप सबको आज ये शायद पहली बार किसी वीडियो पर रिकॉर्ड हो रही कि मैं शून्य पे सवार हूं बेदब समय खुमार हूं अब मुश्किलों से क्या डरूँ? मैं खुद कहर हजार हूं मैं शून्य पे सवार हूं कि ऊंच नीच से परे मजाल मजालूख में भरे में लड़ पड़ा हूं रात से मशाल हाथ में लिए न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है वो शाम को था ढल गया वो रात से था डर गया मैं जुगनों का यार हूं मैं शून्य पे सवार आगे है कि, कि भावना आगे है कि, कि कि भावनाएं मर चुकी संवेदनाएं खत्म है अब दर्द से क्या डरूं जिंदगी ही जख्म है मैं बीच रह की मात हूँ बेचान स्याह रात हूं मैं काली का श्रृंगार हूं मैं शून्य पे सवार हूं मैं शून्य पे सवार <सथ> अंत, अंत, लास्ट लास्ट दो एक लास्ट एक पैरा ये है कि इसमें कि जैसे भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे ठीक है और रावण बहुत ज्ञानी माने जाते थे हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ कि राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ किसकी करूँ आराधना सबसे जो मैं महान हूँ ब्रह्मांड का मैं सार हूँ मैं जल प्रवाह निहार हूँ मैं शून्य पे सवार हूँ मैं शून्य पे सवार बहुत बहुत बहुत, बहुत बढ़िया जाकिर बहुत बढ़िया इतना मजा आया सुन के ये ये वीर रस कहाँ से उपजा जावेद साहब की किताब है तरकश शायद यहाँ मिल भी रही होगी उसमें ना एक तरफ उनकी आ, उनकी गजलें हैं नजमें हैं और एक तरफ खाली पन्नों पे पुराने पुराने शायरों के शेर हैं जो ज्यादातर सबको खुद याद नहीं किस <laughs> हाँ कि किसके हाँ क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यार पता नहीं यार किसके <laughs> <laughs> तो उसमें एक शेर था कि कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नास करते हैं अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी वाह 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 एक सवाल और जाकिर भाई की शायरी पढ़ लेते हैं मेरे लिए जी इधर से लेने एक सवाल जी 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 अच्छा तितली तितली की तरह अच्छा हाँ वो मैं सुना दूंगा हाँ आप क्या कह रहे थे तो कि ये वाली <laughs> हर हर राइटर का ना अपना तरीका होता है लिखने का पर मेरे साथ ना एहसास रह जाता है ठीक है वो वैसा नहीं होता कि कि आज आए तो आज ही लिखूंगा मतलब मेरे को मेरे को पता है कि हाँ मुझे लिखना है जैसे कि एक एक नज्म पिछले दिनों मैंने लिखी थी मतलब ऐसे बता देता हूँ तो मुझे बहुत दिन से वो 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 फीलिंग मुझे शेयर करनी थी थोड़ा मुखड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आ, कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क्यामत के रोज पूछूंगा तुमसे क्या वा, 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 वा। मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कायामत के रोज पूछूंगा तुमसे क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम फिर से सिर से ना सुना देता हूँ चलो ठीक है सुना देता है कि मेरे कुछ सवाल है जो सिर्फ के रोज पूछूंगा तुमसे क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। मैं जानना चाहता हूं क्या रकीब के साथ भी चलते हुए शाम को यूं ही बेख्याली में उसके साथ भी हाथ टकरा जाता है क्या तुम्हारा ना बाचा। ना बाचा। ना बाचा। क्या अपनी छोटी उंगली से उसका भी हाथ थाम लिया करती हो क्या वैसे ही जैसा मेरा थामा करती थी क्या बता दी सारी बचपन की कहानियां तुमने उसको जैसे मुझे रात रात भर कर सुनाई थी तुमने क्या तुमने बताया उसको कि तीस के आगे की हिंदी की गिनती आती नहीं तुमको <वस्च्च्च्च्च> <वस्च्च्च> वो सारी तस्वीरें जो तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी थी जिनमें तुम बड़ी प्यारी लगी क्या उसे भी दिखा दी तुमने ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस नहीं हो एक एक चार चार और लाइनें इसमें कि कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी जब घर छोड़ने आता है तुमको तो सीढ़ियों पर आंखें मीच कर क्या मेरी ही तरह उसके सामने भी माथा आगे कर देती हो क्या तुम वैसे ही जैसे मेरे सामने क्या करती थी क्या सर्द रातों में बंद कमरों में क्या वो भी मेरी ही तरह तुम्हारी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियों से हर्फ दर हर्फ खुद का नाम गोदता है और तुम भी क्या अक्षर बा अक्षर पहचानने की कोशिश करती हो क्या जैसे मेरे साथ क्या करती थी वा, 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 वा। ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो इस लायक नहीं है जोरदार तालियां ठीक है तो एक, एक मोहरमा का इधर से उनकी फरमाइश थी एक छोटा सा शेर है ऐसे छोटे छोटे शेर मुझे बड़े पसंद है तो वो अपन लिख देते हैं जैसे एक बार लिखा था कि, कि यू तो भूले हैं हमें लोग कई पहले भी बहुत से पर तुम जितना उनमें से कभी कोई याद नहीं आया <laughs> एक लास्ट शेर है कि, आ, कि वो तितली की तरह आई कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गए चलिए